नमस्कार सत श्रीकाल वालेकुम जय हिंद साथियों आप सभी का तहे दिल से स्वागत करते हैं सुखोई डिफेंस खास तौर से जो है स्वागत करते हैं आप सभी का अड्डा टीचर्स पे जितना जल्द से जल्द हो सभी बच्चे अड्डा पे आ जाएं और आज की क्लास दमदार धुआंधार शानदार जानदार क्लास होने वाला है आज की क्लास में हम लोग बहुत कुछ जाने वाले हैं प्री सल्तनत का पार्ट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आज हम डिस्कस करने वाले हैं और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये कि आज हम लोग सिलेबस की एनालिसिस करने वाले हैं। सभी बच्चे जितना जल्द से जल्द हो क्लास में मौजूद हो जाए हैप्पीनेस विथ सुषमा गुड मॉर्निंग एवरी जितना जल्द से जल्द हो सभी के सभी लोग आ जाए ज्योति पांडे जब तक दिखेंगे नहीं तब तक क्लास स्टार्ट नहीं होगा बच्चों सभी क्लास को एक बार शेयर करते चलें क्लास वैसी क्लास होगी कि जिस तरह से आप ऑफलाइन में फील करते हैं आपसे बात की जाएगी आपकी डाउट को कंप्लीट रूप से देखा जाएगा कि क्या डाउट हैं क्या प्रॉब्लम हैं आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं खास तौर से वह है सिलेबस प्लस आपकी स्ट्रेटजी स्ट्रेटजी कि क्या होगी स्ट्रेटजी आपके पीजीटी के लिए और आपका प्लस एनवीएस के लिए प्लस में मान लेता हूं डी ट्रिपल एस एस बी के लिए आप अगर नोटिस करें ये सभी वो एग्जाम्स हैं जिसकी प्रिपरेशन आप लोग घर बैठ के कर रहे हैं गुड मॉर्निंग एवरीवन क्लास एक बार शेयर करते चले सभी के सभी ये वो एग्जाम्स है हिस्ट्री के जो कि आप घर बैठ के तैयारी कर रहे हैं और आप हिस्ट्री के सिलेबस को किस तरह से समझने की कोशिश करते हैं। स्ट्रेटजी क्या होगी किस तरह से हम लोग कवर अप कर पाएंगे हमारे पास टाइम क्या है उन सब को मुद्दे को अगर हम नोटिस करें तो टाइम हमारे पास बहुत ज्यादा नहीं है टाइम बहुत कम भी नहीं है अगर मैं नोटिस करूं टाइम की तो टाइम हमारे पास है अच्छे खासे हैं और इस टाइम में हम लोग बहुत अच्छे तरीके से एप्लीकेशन बेस्ड क्लासेस कर सकते हैं मेरे हाथ में बहुत सारे आपके सिलेबस रखे गए मैं चाहता तो यहाँ पे सिलेबस दिखा सकता था लेकिन वो जरूरी नहीं समझा फेजूल की चीजें अगर मैं बात करूं आपकी उत्तर प्रदेश की उत्तर प्रदेश और एनवीएस में थोड़ा सा अंतर है वो अंतर मैं समझा देना चाहता हूं कि एनालिसिस में क्या क्या अंतर है पहले उसके बाद क्लास को हम आगे बढ़ाते हैं अंतर यह है कि उत्तर प्रदेश पीजीटी में आपके पैलियोलिथिक एज जिसे आप प्रागैतिक इतिहास कहते हैं जैसे मिर्जापुर वगैरह प्रागैतिक इतिहास में आता है ठीक है प्रागैतिक इतिहास में आपके स्टोन एज जिसे आप खास तौर से स्टोन एज कह सकते हो स्टोन एज से रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं जबकि एनवीएस में नहीं बनते है थोड़ा सा फर्क उसके अलावा बाकी इसमें कुछ चीजें और भी ऐड की गई है जो कि एनवीएस में नहीं जैसे एनवीएस के पेपर में अगर हम बात करें टॉपिक की तो इनकी शुरुआत हड़प्पन सिविलाइजेशन से होता है हड़प्पा में टाउन प्लानिंग हड़प्पा में टाउन प्लानिंग के अलावा क्या क्या चीजें हैं कल्चर ट्रेड और उनकी इकोनॉमी उनके रिवर्स उनके साइट्स यही सब है आपके पेपर में इन सब पॉइंट्स को हम लोग धुआं उड़ा देंगे और राइटिंग स्क्रिप्ट भी उसके बाद दूसरा टॉपिक है मगध एंड इट्स महाजनपद सोलह महाजनपद के बारे में आप लोगों के बारे में वर्णन करना है महाजनपदों को अध्ययन करेंगे अंग छेदी कुरु काशी वज्जी मगधा ये अंग इन सब के बारे में भी वर्णन करना है ये सिलेबस है उसके बाद आपके है बुद्धिज्म एंड जैनिज्म ये ऑलरेडी कल हम लोगों ने इस सभी स्ट्रेटजी पे बात कर लिया है।, है ना हमें किस तरह से चीजों को कवर अप करने की कोशिश करना है वो समझते हैं सिलेबस आपको भी पता है सिलेबस हमें भी पता है हमें भी स्ट्रेटजी पता है आपको स्ट्रेटजी नहीं पता है कोशिश यह करेंगे हम लोग कि स्ट्रेटजी पे इतने अच्छे से काम करें सबसे पहले ज्योति पांडे बिल्कुल बेटा यह है आपके पीजीटी के लिए पीजीटी हिस्ट्री के लिए आप जो बच्चे TGT टी के भी प्रिपरेशन कर रहे हैं आप इस क्लास में मौजूद हो सकते हैं कोई इश्यू नहीं है कौन से पार्ट इंपॉर्टेंट है यूपी TGT टी के लिए डिस्कस करिएगा बिल्कुल बेटा पार्ट जितने भी इंपॉर्टेंट है जैसे मैं अभी आप लोगों से बात कर रहा था कि हमारे पास अगर मैं बात करूं यूपी टी के लिए और टी में दोनों में क्या क्या चीजें है जैसे आपको अगर मैं कहूं कि धार्मिक आंदोलन है जैन और बुद्धिज्म दोनों में इंपॉर्टेंट है जैसे मैं बात करूं सल्तनत पीरियड प्री सल्तनत पीरियड की अगर बात करूं इंडियन रिवोल्यूशन की बात करूं फ्रीडम फॉर स्ट्रगल्स की बात करूं ये सब जगह पे कॉमन है तो इन स्ट्रेटेजी को हम लोग अच्छे ढंग से समझने की कोशिश करेंगे आप घबराने की जरूरत नहीं है सिलेबस एनालिसिस के साथ साथ हम लोगों का मकसद ये है कि पूरे तरह से हिस्ट्री में आप तीन पार्ट को तो समझते हैं इंडियन तीन पार्ट तीन पार्ट के अलावा एक ऐड होता है कॉल्ड दी वर्ल्ड हिस्ट्री बच्चे जितने भी साथी क्लास देख रहे हैं एक बार ज्यादा से ज्यादा क्लास को शेयर कर दें तभी हमारी मनोबल भी बढ़ेगी और आप लोग को अच्छे से पढ़ाया भी जाएगा सभी बच्चे एक बार क्लास को शेयर करते चलें। गुड मॉर्निंग हिमे हरीश पीजीटी हिस्ट्री मेरा भी है तो घबराने की जरूरत नहीं है आप किसी भी एग्जाम की तैयारी क्यों ना कर रहे हो पीजीटी टीजीटी एनवीएस केवीएस डीएसएसबी इन सब के लिए आप प्रॉपर यहां पे आकर चीजें अच्छे से स्टडी कर सकते हो प्रॉपर तरीके से आज की सिलेबस में हम लोग क्या चीजें डिस्कस करेंगे सिलेबस नंबर की बात करें हम मध्यकालीन भारत के सभी बच्चे अपने नोटबुक पे मध्यकालीन भारत लिख लीजिए मेडियाबल हिस्ट्री मेडियबल में अगर मैं बात करूं मेडियबल हिस्ट्री में कि क्या क्या चीजें महत्वपूर्ण है वो ध्यान दीजिएगा मेडियबल हिस्ट्री में देखो सभी बच्चे प्यार से ध्यान से समझते चलेंगे मेडियबल हिस्ट्री में मोहम्मद बिन कासिम से डिस्कस करते हैं आप किससे डिस्कस करते हैं मोहम्मद बिन कासिम से तो मैं ऐसा करता हूं कि इस क्लास को एक ट्रिक बेस पे स्टार्ट करते हैं ट्रिकी तरीके से देखो ध्यान से ट्रिक बेस पे क्या है कि अगर मुस्लिम आक्रमणकारियों की मैं बात करूं कि कौन कौन से मुस्लिम आक्रमणकारियों ने भारत देश पे या भारत तो उस समय देश का नहीं था ना लेकिन आज के भारत के तो हिसाब से क्वेश्चन पूछ लेता है तो हम कैसे आंसर करेंगे उसको समझिए ट्रिक है कि कास देखो ध्यान से कास गजनी ने देखो ध्यान से कास गजनी ने गौर, किया होता। किस पे? गौर किया होता नादान अहमद पर किस पर बच्चे होता नादान अहमद पर मैंने ये जैसे ही ट्रिक लिखा एक क्वेश्चन अपने दिमाग में आता है कि सर कैसे आपने ये ट्रिक लिखा है पीछे क्या लॉजिक है कास फॉर कासिम कास फॉर कासिम गजनी फॉर गजनबी गौर फॉर गौरी और नादान फॉर नादिर शाह एंड अहमद फॉर अहमद शाह अब्दाली और इनकी मकसद सिर्फ भारत में हंगामा करना था शासन करना इनकी मकसद थी ही नहीं लूट कर यहां से ले जाना था लूट खसोट कर ले जाना था तो इन सब को हम लोग स्टडी करते हैं अच्छे तरीके से ठीक है बच्चे एक बार क्लास सभी बच्चे प्यार से क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते चलें और आज हम लोग मेडिएबल हिस्ट्री में टॉपिक हमने स्टार्ट कर दिया है टॉपिक हमने अच्छे से स्टार्ट कर दिया क्योंकि मुझे लगता है कि रोज है, है, तो है, है. है, है. करते हैं अपने टॉपिक पे क्योंकि टाइम अच्छे समय से हम निर्धारित करके चले तो हमारा सिलेबस अप आराम से होगा और उत्तर प्रदेश पीजीटी के समय तक हम लोग अपनी पूरी सिलेबस कंप्लीट कर चुके होंगे है ना? आज के टॉपिक में हम लोग जिसे पढ़ने वाले हैं टॉपिक ऑफ द डे आप सभी लोग लिख लीजिएगा सभी बच्चे टॉपिक ऑफ द डे पहला टॉपिक पहला टॉपिक हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं इस्लामिक इनवेजन ऑन इस्लामिक सिंध ऑन सिंध इसे हिंदी में कुछ इस तरह से लिखेंगे सिंध पर सिंध पर सिंध पर अरब का आक्रमण आप अरब का आक्रमण लिख लीजिए सिंध पर अरब का आक्रमण आप फील करें बच्चों मैं क्लास को उस तरह से फील कराने की सर प्लीज पेड में टाइम क्या है प्रियंका कुमारी आप घबराइए मत आपकी बैच मैं लेकर आ रहा हूं आज मैंने सबमिट कर दिया यहां पे तुरंत मैं बैच एप्लीकेशन पर लेकर आ रहा हूं और मैं आपका डॉक्टर जावेद अख्तर यह आपको मैं आश्वासन देता हूं आपका दोस्त यह आश्वासन देता आपका एक शिक्षक आश्वासन देता है हंड्रेड परसेंट सिलेक्शन अपने सब्जेक्ट में कराऊंगा मैं खींच के शेर के मुंह से खींच कर लेकर आऊंगा मैं जॉब इसकी गारंटी देता हूं क्योंकि पता है कि क्वेश्चन बनाने वाले किस तरह से क्वेश्चन को बनाता है उन सभी क्वेश्चंस को कराऊंगा जो हद से हद तक सिलेक्शन आपको मिलेगी ये नहीं कि बहुत सारा पढ़ा दिया बहुत सारा हुआ बना दिया और कुछ आया नहीं एग्जाम में ऐसे पढ़ाई का कोई मोल नहीं है कि कितनी स्थिति से हम लोग गुजर रहे वो मसला है हम आपको स्मार्ट और आपकी सिलेक्शन में कराएगा टेंशन नहीं लेने का सिंध पर अरब का आक्रमण टॉपिक ऑफ द डे सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी मोहम्मद बिन कासिम की पहला पर्सनालिटी हम लोग मोहम्मद बिन कासिम डिस्कस करेंगे क्या नाम बच्चे मोहम्मद बिन कासिम मोहम्मद बिन कासिम चाहता तो मैं इसे आपको एक पीपीटी के माध्यम से भी पढ़ा सकता था क्या पीपीटी में वो मजा रहता है दे दिया समझा दिए आगे निकल लिए यह सिलेबस खत्म करने का तरीका है पढ़ाने का तरीका नहीं है ये पढ़ाने का तरीका यह है चलिए सभी बच्चे क्लास को चलिए बहुत बढ़िया सुषमा आप मेहनत करने के लिए तैयार रहें पढ़ाना मेरा काम है जितना टास्क दूं कंप्लीट कर लिया करो बच्चों क्लास को एक बार ज्यादा से ज्यादा शेयर करते चलें सभी के सभी बच्चे मोहम्मद बिन कासिम में हम लोग यही जानते हैं ना नॉर्मल सी बात कि कब आया कब अटैक किया किसके समय में आया क्यों आया ये नहीं जानते क्यों आया बाकी चीजों का हम लोग वर्णन करते ही नहीं जो पेपर आपके एग्जाम में पूछता है आप तो एक शिक्षक होने जा रहे हो भाई पीजीटी के शिक्षक आपको तो बहुत सारे डिटेल पता होना चाहिए है ना चलिए उस डिटेल को देखते हैं मोहम्मद बिन कासिम में कि क्या क्या चीजें हम लोग पढ़ सकते हैं क्या क्या चीजें जान सकते हैं मेरे प्यारे साथियों आप सभी बच्चे अपने अपने सोशल मीडिया पर अपने अपने सोशल मीडिया पे इस क्लास को डायरेक्टली शेयर करें व्हाट्सएप स्टेटस जहां, जहां स्टेटस लगा सके वहां पे लगाने की कोशिश करें मोहम्मद बिन कासिम के बारे में कहा जाता है कि मोहम्मद कहा जाता है कि अल्जाज का ये सन इन लॉ था और उस समय गवर्नर जो है, जो है गवर्नर हुआ करता था कहा का अल्जास ध्यान से देखेंगे सभी बच्चे अल हजाज जो है गवर्नर है अल हजाज गवर्नर ऑफ इराक गवर्नर ऑफ इराक कहा जाता है कि ये किसके सुपरविजन में सुपरविजन ऑफ खलीफा सुपरवि सुपरविजन ऑफ खलीफा और खलीफा कौन होते थे याद होगा आपको कि मोहम्मद साहब के कितने खलीफा मैंने कल के क्लास में बताए थे मोहम्मद साहब के सक्सेसर कितने थे जल्दी से फास्ट कमेंट करके बताइए हाउ मेनी सक्सेसर ऑफ मोहम्मद साहब फास्ट कमेंट करके बताइए सभी बच्चे तो ये सुपरविजन ऑफ खलीफा थे कहा जाता है कि अल हजाज ने एक ऑर्डर पारित किया अपने सन इन लॉ को किसको बेटा सन इन लॉ अल हजाज का सन इन लॉ कौन हुआ मोहम्मद बिन कासिम कि सिंध के क्षेत्र में कई बार ऐसा होता था कि जो व्यापारी व्यापार करने आता उसको पायरेट्स क्या करता था लूट लेता था पायरेट्स लूट लिया करता था पायरेट्स का मतलब होता है कौन से आक्रमणकारी या लुटेरे लूट लेते थे तो प्रॉब्लम क्रिएट हुआ तो वो प्रॉब्लम किसको कहेगा अपने गवर्नर को ही कहेगा ना तो जब गवर्नर को कहा ये बात एक्चुअली में सबसे पहले खलीफा के पास पहुंचा फिर खलीफा ने गवर्नर को कहा गवर्नर ने कहा भाई सिंध जा और सिंध में यहां पे किंग कौन है सिंध ध्यान दीजिएगा सभी बच्चे सिंध में जो राजा माना जाता है सिंध का राजा दाहिर था कौन था बच्चे दाहिर आप कंटेप्रेरी को समझते चलेंगे कौन क्या है कौन है बेटा यहाँ पे राजा दाहिर है और दाहिर भी सिंध में कौन सी जगह का राजा है तो जगह का नाम है देवल कौन सा जगह का नाम बच्चे देवल क्या नाम बच्चे देवल आप सभी बच्चे एक बार क्लास को शेयर करते चलें आप लोग जवाब नहीं दे रहे हैं मुझे यह समझ में नहीं आ रहा बिजी कहां है आप लोग चलिए पॉइंट्स पे राजा दाहिर, देवल का राजा, था। राजा दाहिर देवल का राजा है और देवल के राजा को प्रॉब्लम जब सुनाया गया तो इन्होंने इनकार कर दिया कि मुझे मेरे नियंत्रण में नहीं है तो मोहम्मद बिन कासिम साहब ध्यान से देखेंगे सात सौ बारह ईस्वी में एडी में अटैक ऑन सिंध कहां पर अटैक किया बच्चे सिंध पे अटैक ऑन सिंध एक एक लाइन को लिखते चलेंगे एंड डिफिटेड किस को हराया बच्चे डिफिटेड किंग दाहिर राजा दाहिर को हराता है दाहिर दाहिर कहां का राजा है आपसे अगर कभी भी पूछे तो सिंध और सिंध में भी कहां का राजा हुआ तो सिंध में सर देवल का राजा है एंड डिफिटेड जैसे ही इसको हराया राजा दाहिर को तो यहां पे एक नोट बनता है ध्यान से सुनेंगे नोट नोट इज वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों ध्यान से फर्स्ट टाइम फर्स्ट टाइम ध्यान से देखेंगे फर्स्ट टाइम जजिया टैक्स जजिया टैक्स किस तरह का टैक्स होता है धार्मिक कर होता है कैसा होता है बच्चे धार्मिक कर है फर्स्ट टाइम धार्मिक टैक्स जजिया टैक्स इंपोज्ड ऑन सिंध इंपोज ऑन सिंध किस पे लगाई गई बच्चे सिंध पे लगाया गया है ना अच्छा क्वेश्चन ये अपने आप में क्वेश्चन बना इसको ऐसे मार्क करो मेरे प्यारे साथियों मेरे प्यारे जिगर के छलो एक बार क्लास को शेयर करते चलो क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए चलिए क्या आपने पढ़ा देखो ध्यान से दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फर्स्ट टाइम जजिया टैक्स इंपोज्ड ऑन सिंध बाय हु मोहम्मद बिन कासिम कहते हैं कि जजिया टैक्स खास तौर से हिंदुओं पे लगाई गई किस पे लगाई गई ऑन नॉन मुस्लिम्स पे नॉन मुस्लिम्स पे याद रखिएगा ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है दूसरा पॉइंट दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जब मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईसवी में दाहिर को हराया तो सिंध में एक नई डायनेस्टी का निव रखा जिसे आप कहते हैं उम्मैय कौन सी डायनेस्टी बेटा उम्मैय डायनेस्टी एस्टेब्लिश्ड डायनेस्टी एस्टेब्लिश्ड इन सिंध हिंदी में भी लिख लो बेटा सिंध में उम्मैयद वंश का निर्माण करने का भी श्रेय किसको जाता है तो कासिम को जाता है सवाल यह होता है कि मुस्लिम वर्ल्ड में कई डायनेस्टीज डेवलप हुए खलीफाओं के द्वारा देखो यहां पे मैं नोट लिख रहा हूं ध्यान से खलीफाओं के द्वारा कई वंश बनाए गए वंश जैसे पहला वंश को आप उम्मयद वंश कहते हैं क्या बोलते हैं उम्मयद या कैलिफत 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 डायनेस्टी उसके बाद होता है दैट इज द अब्बासिद क्या होता है बच्चे अब्बासिद अब्बासिद के बाद आता है आपके दैट इज द के बाद गजनवीड़ आता है गजनवीड़ के बाद ध्यान से देखेंगे गजनवीड़ और गजनवीड़ के बाद तुरंत आता है सिलजुक ये सभी अपने आप में इंपॉर्टेंट फिर सिलजुक के बाद आता है सेसनिद तो ये सभी कुछ एम्पायर है जो खलीफाओं के द्वारा डेवलप किए गए थे ये एम्पायर अब सवाल आता है पॉइंट पे हम लोग आइए कि किस तरह से हमारे एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे मोहम्मद बिन कासिम से रिलेटेड आप लोग लिखने में मौजूद बिजी हो गए कोई किसी का कमेंट नहीं दिख रहा है सबको समझ में आ रहा है बच्चों क्लास शेयर करते चलो भाई आपके इतिहास के शिक्षक आए हैं तो हंगामा तो होनी चाहिए ना आप लोग गायब गायब से दिख रहे हो बिल्कुल भी दिख नहीं रहे हो चलिए क्लास शेयर करते चलेंगे सभी बच्चे एक पॉइंट तो यहां पर चलिए दूसरा पॉइंट पे चलते हैं और ध्यान से चीजों को समझते चलेंगे हम लोग एक एक पॉइंट को अच्छे से समझेंगे मैंने आप लोग को पहले भी बताया कि हमारी क्लास रोज देखो ध्यान से एट द रेट ग्यारह ए एम पे टीचर्स अड्डा पे कहां पे बच्चे टीचर्स अड्डा पे क्लास होती है मंडे से फ्राइडे तो आपका डेफिनेटली आपकी क्लासेस होगी ये याद रखियेगा ये आप लोग लिख लीजिए डे टीचर्स अड्डा पे चलिए आगे बढ़ते हैं दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको जानना है कि क्या क्या चीजें और हो सकता है मोहम्मद बिन कासिम में तो मोहम्मद बिन कासिम ने जब दाहिर को हराया दाहिर उस समय कहा जाता है कि सिंध के राजा थे और वो इंडिया का पार्ट अब नहीं है सिंध पाकिस्तान का पार्ट है तो यहां पे एक लाइन और देखते हैं दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कि सिंध का वर्णन ध्यान से देखेंगे सिंध का वर्णन अगर मैं कहूं कि कौन से किताब से प्राप्त होता है ध्यान से देखिएगा एक किताब है बुक का नाम दैट इज चचनामा। क्या नाम बच्चे? चचनामा। अब ध्यान से देखो कि चचनामा में किसका वृतांत मिलता है तो आपके सिंध का वर्तान वृतांत मिलता है और इसके लेखक आपसे पूछा जा सकता है इसके लेखक कौन है राइटर हु चचनामा तो याद रखिएगा अली कूफी क्या नाम बच्चे अली कूफी ने क्या लिखा था चचनामा लिखा था अरबी भाषा में कौन से भाषा में बच्चे अरबी भाषा में यह क्वेश्चन है आपके एग्जाम में डायरेक्ट इस किताब का अनुवाद फारसी में अनुवाद कौन से भाषा में बच्चे फारसी में अबू बक्र को जाता है ये अबू बक्र दूसरे हैं बाय अबू बकर QR. इतना पॉइंट छाप डालो सभी बच्चे इतना पॉइंट को छाप डालिए बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है सभी बच्चे डायरेक्ट क्वेश्चन को हिट कर रहे हैं हम लोग जो पोर्शन पढ़ रहे हैं दैट इज दी प्री सल्तनत पार्ट पढ़ रहे हैं सल्तनत से पहले वाला पार्ट जो कि आपके एग्जाम्स के रिलेटेड बहुत महत्वपूर्ण है चलिए जल्दी से इसको आप लोग छाप डालिए क्लियर है इतना आगे बढ़े चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस को देखने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या चीजें हमारे लिए महत्वपूर्ण हो सकता है पहला पॉइंट कि सिंध का वर्णन चचनामा नामक पुस्तक में मिलता है जिसके लेखक अली कुफी अरबी भाषा में लिखा गया और अबू बकर ने इसका अनुवाद फारसी में किया इतना पॉइंट क्लियर आगे देखते हैं मोहम्मद बिन कासिम के बहुत बाद में कहा जाता है कि बहुत बाद में यहां पे एक वंश आता है जिसे आप गजनवीट कहते हैं और गजनवीट से रिलेटेड क्वेश्चन इतना महत्वपूर्ण है जिसका अंदाजा आप खुद ही लगाएंगे देखिए सभी बच्चे जो नेक्स्ट टॉपिक है next topic को आप, से, invasion. आप हिंदी मीडियम के भी अगर स्टूडेंट है तो मेरी कोशिश यह है कि आपको मेरी कोशिश यह रहेगी आप लोगों के लिए कि आसान से आसान तरीका मैं इस्तेमाल करूं आप लोगों के लिए देखो टॉपिक टर्किश इन वैजन फर्स्ट टर्किश इन प्रथम तुर्की आक्रमण लिख लो प्रथम तुर्की आक्रमण अब आप लोग इतना ही जानते हैं ना कि सर इस समय गजनबी आएगा फलाना डिकाना नहीं, नहीं नहीं हम वो स्टाइल ही नहीं हमारा पढ़ाने का गुटका छाप नहीं पढ़ना है हम लोग को हम लोग को पढ़ना है एग्जाम के स्ट्रेटजी के हिसाब से कि एग्जाम में क्या चीजें फंसेगा देखो ध्यान से बच्चों प्रथम तुर्की आक्रमण की बात करते हैं तो पर्सनालिटी का नाम क्या आता है महमूद ऑफ गजनी कहां का रहने वाला है गजनी का महमूद ऑफ गजनी से पहले एक व्यक्ति है सुबुतगीन कहा जाता है कि जब जब कहा जाता है कि अब्बासिद वंश की समाप्ति होता है तब एक वंश की डेवलपमेंट होता है गजनवीद कौन सी गजनवी की तो महमूद गजनवी का आप लोग नाम लिखिए पहले महमूद गजनवी महमूद गजनवी की टाइम पीरियड तो वैसे बताया जाता है इतिहास में कि नौ से लेकर 1030 हजार ईस्वी तक इतना तो क्लियर है इतना तो बताया जाता है लेकिन इसके पीछे हम थोड़ा सा बैकग्राउंड देखते हैं इनके फादर का नाम एक बार एग्जाम में पूछा गया था तो इनके पिता का नाम है सुबुक्त गिन क्या नाम बच्चे सुबुक्त गिन इनके पिता का नाम है क्या नाम बच्चे सुबुक्त गिन इनके फादर का नाम है कहा जाता है कि गिन के बारे में कई ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको जानने की जरूरत है गिन ने कहा जाता है कि नौ से संतानवे के बीच में इन्होंने रूल किया था ठीक है महमूद गजनवी को नौ सौ संतानवे नॉमिनेटेड सुल्तान ऑफ गजनी शहर नॉमिनेटेड सुल्तान ऑफ गजनी शहर देखो गजनी शहर का सुल्तान बनाया गया और यह गजनी शहर कहां पड़ता है अफगानिस्तान कहां पड़ता है बच्चे अफगानिस्तान में इस पॉइंट को आप याद रखिएगा ये याद रखने वाली चीज़ें हैं कुछ महत्वपूर्ण है अभी रिसेंटली जो है लास्ट ईयर अफगानिस्तान शहर पे कहा जाता है तालिबानों का कब्जा हुआ तालिबानियों ग्रुप के समूह ने वहाँ पे कब्जा किया अब अफगानिस्तान का नाम बदल भी दिया गया इस्लामिक स्टेट ऑफ एमरेट्स अफगानिस्तान कर दिया गया है ये सब चीजें भी अपडेट रहा करो ताकि क्वेश्चन करंट में पूछे तो आप लोग जवाब दिया करो है ना प्यार से क्वेश्चन को समझते चलें आप लोग को क्लास कैसा लग रहा है वो भी कमेंट करते चलें चीजें महमूद गजनवी के बारे में आपने क्या जाना इनके पिता का नाम सुबुदगिन और इन्हें नौ सौ संतानवे में कहा का सुल्तान बनाया गया तो अफगानिस्तान का हर इंसान की खाश ये होता है कि उसका वर्चस्व काफी बढ़े काफी एम्पायर की एक्सटेंशन हो इनके भी एम्पायर की एक्सटेंशन होगा इसके भी ऑब्जेक्टिव है आप जब महमूद गजनवी के बारे में सुनते हैं तो याद आता है सर सत्रह बार इस बदतमीज़ ने भारत पर आक्रमण किया है है ना ये याद आता है ना और बहुत गुस्सा भी आता है मेरे को लिटरली कि भारत पर आक्रमण करने वाला तू कौन था भाई तो उस समय तो भारत जैसे चीज कॉन्सेप्ट नहीं था ना उस समय हम खुद ही आपस में बटे हुए थे आपस में लड़ाई खुद ही करते थे जब हम आपस में लड़ाई करेंगे तो दूसरा को फायदा पहुंचेगा ठीक इसने भी फायदा पहुंचाया लेकिन एक अफगानिस्तान का एक गजनी शहर छोटा सा शहर का बंदा भारत के कोई भी क्षेत्र को जीतना नामुमकिन था उस समय तो जीतने के लिए इन्होंने पहले स्ट्रेटजी डेवलप किया कैसा स्ट्रेटजी वो सुनिए इन्होंने स्ट्रेटजी ये बनाया ध्यान से देखिएगा बहुत प्यार से इन्होंने इर्द गिर्द के समरकंद के क्षेत्र पर अटैक किया समरकंद पे तो नौ सौ अंठानवे में ध्यान से देखिएगा नौ सौ अंठानवे ईस्वी में अटैक्ड ऑन समरकंद अटैक्ड ऑन एक्चुअली जगह का नाम है ख्वारिज्म कहां पे अटैक कर रहा है बच्चे ख्वारिज्म पे देखो ध्यान से आक्रमण कहां पे किया बच्चे ख्वारिज्म पे और ख्वारिज्म जो जगह है उसे आज के समय में हम क्या बोलते हैं उज्बेकिस्तान कहते हैं ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि ख्वारिज्म को आज के समय क्या कहा जाता है तो उज्बेकिस्तान और ये समरकंद का पार्ट है किसका पार्ट है बच्चे समरकंद का क्षेत्र उस समय हमारे देश में एक यूनिवर्सिटी बहुत फ्लरिश था दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट नालंदा यूनिवर्सिटी कहते हैं कि जिस जिस कंट्री का यूनिवर्सिटी रैंकिंग हमेशा बड़ा हो ऊंचा हो एक रैंक पे हो, वो यूनिवर्सिटीज काफी अच्छे होते हैं वो कंट्री बहुत ज्यादा डेवलप है हमारा देश उस जमाने में देश विदेश से लोग पढ़ने आते थे और कितना ज्यादा डेवलप रहा होगा उसका अंदाजा आप खुद ही लगाइए ठीक है उज्बेकिस्तान भी यूनिवर्सिटी के लिए ही जाना जाता था जब इसने अटैक किया तो डिस्ट्रॉय कर दिया पूरे ख्वारिजम की यूनिवर्सिटीज को यहां के स्टूडेंट यहाँ के टीचर भटकने लगे पागलों की तरह यहां वहां घूमने लगे तब इन्होंने जाना कि किसी भी एंपायर की किसी भी जगह को समाप्त करना है तो एजुकेशन सिस्टम को ही खराब कर डालो जब एजुकेशन सिस्टम जब अच्छे टीचर ही नहीं होंगे तो अच्छे स्टूडेंट कभी डिमांड ही नहीं करेगा डेमोक्रेसी के लिए है ना तो सिंपल सी लॉजिक यहां पे भी वही चीज है नौ सौ अंठानवे अटैक किया तो किसी ने इनको सलाह दिया कि आप ऐसा करें ना कि इनको यहां के कुछ टीचरों को स्कॉलरों को अपने दरबार में आमंत्रित करें दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लो एग्जाम में आएगा ये इनवाइटेड स्कॉलर इन्वाइटेड पोर स्कॉलर इन हिस्स कोट दरबार में कितने स्कॉलर्स को बुलाया विद्वानों को ध्यान दीजिएगा कितने विद्वान को चार विद्वान को आमंत्रित किया ध्यान दीजिएगा चार किस विद्वानों को आमंत्रित चार विद्वान कौन कौन से वो ध्यान दीजिएगा ट्रिक लिख रहा हूं मैं ट्रिक में है दिस इज कॉल दी फूफा क्या है बच्चे फूफा ट्रिक हमेशा याद रखना चार स्कॉलर में क्या है बच्चे फूफा अगर आप नोटिस करो फूफा तो आपको रियलाइज होगा कि सर ये तो बुआ जी का हस्बैंड है और बुआ जी के हस्बैंड वो जो बहुत चिड़चिड़ाए रहते हैं हर समय हर समय गुस्सा में रहते हैं मेरे घर में भी है तीन तीन भाई वो भी हर समय चिड़चिड़ाए रहते हैं तो चीजें याद रहेगी ये अलग ही खून होता है इनमें चलिए एफ इक्वल टू फारूखी एफ का मतलब क्या है बच्चे फारूखी एफ मतलब फारूकी ये स्कॉलर का नाम है जिसे महमूद गजनवी ने दावत दिया था एफ इक्वल टू फिरदौसी या यू पहले मान लेते हैं यू वाला पोर्शन को पहले करते हैं यू का मतलब होता है उद्बी यू टी बी आई उद्बी ठीक है चार स्कॉलर को लिख रहे हैं फिर एफ इक्वल टू फिरदौसी क्या नाम बच्चे फिरदौसी जल्दी से कमेंट करके बताओ किसी का नाम सुना है और ए इक्वल टू अल बरूनी जल्दी से कमेंट करके बताइए भाई अल बरूनी क्या आप लोगों ने किसी का भी नाम सुना है एनी वन फास्ट कमेंट मेरी आवाज जा रही है ना आप लोग तक कमेंट करके बताइए किसी का नाम सुना है आप लोगों ने हैप्पीनेस विथ सुषमा हरीश प्रियंका कुमारी चलिए जल्दी से कमेंट करके बताइए कि किसी का नाम सुना है चारों में से फास्ट सभी बच्चे अगर देखें देखे फारूखी उदबी फिर अलबरूनी तो ये सभी नाम बहुत फेमस नाम है चलिए इनके बारे में थोड़ा सा समझते कि ये चारों किसके दरबारी थे तो महमूद गजनबी के दरबारी थे अब इनके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं आप लोग जवाब ही नहीं दे रहे हैं ऐसा लग रहा है जैसे कि आप लोग के कमेंट्स मुझे नहीं मिल रहे हैं चलिए पॉइंट्स पे कहा जाता है यहाँ पे दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट दो पर्सनालिटी को समझाएंगे कहानी इतने अच्छे से जानो कि चीजें हमेशा याद रहे है ना महमूद गजनवी के बारे में कहा जाता है कि फिरदौसी ने किसने बच्चे फिरदौसी ने ये नोट का पार्ट है बच्चे ये नोट में लिख लेना टिप्पणी में नोट में पहला पर्सनालिटी फिरदौसी फिरदौसी के बारे में कहा जाता है इन्होंने एक बुक लिखा दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट तारीख आप कह सकते हो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट शाहनामा कौन सा नाम है बच्चे शाहनामा कौन से भाषा में पर्शियन लैंग्वेज में ये ये लाइन लिख लीजिए आपसे सवाल है किसके किसके बारे बारे में बारे में अबाउट गजनवी गजनवी के बारे में अच्छा इसे गजनवी क्यों कह रहे हैं क्योंकि ये गजनी शहर का रहने वाला है जैसे हम लोगों को भारतीय कहते हैं ना तो इसे गजनवी कहते हैं जैसे आप बंगाल के हैं तो बंगाली जापान के होते तो जापानी हरियाणा के तो हरियाणवी बिहार के तो बिहारी तो इस तरह से नाम दिए जाते हैं है ना ठीक इसी तरह से इसको नाम दिया गया गजनबी महमूद के नाम है महमूद ऑफ गजनबी गजनबी का महमूद बाकी सुना है रिधि, ओके बाकी का नाम सुना नहीं है आपने फारूकी का नाम सुना है ओके चलते हैं तो पहला फिरदौसी दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट नेक्स्ट है आपके फिरदौसी के बाद उदबी का भी नाम लिख लीजिए उदबी से भी रिलेटेड है उदबी का ता एक बुक है दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट बुक बुक का नाम थोड़ा सा और कर देते हैं आगे ये तारीख यामिनी तारीख यामिनी ये इंपॉर्टेंट इसलिए लिख देता हूं यामिनी ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है तारीख यामिनी तीसरे नंबर पे देखिए तीसरे नंबर पे ये पर्सनालिटी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अलबरूनी अलबरूनी बहुत सारे लोग इसे अल बिरूनी भी लिखते हैं इनके तो बुक बहुत फेमस हुए भाई जैसे बुक का नाम क्या है भाई तहकीकात हिंद या किताबुल हिंद लिखते चलेंगे किताबुल हिंद या तहकीकाते हिंद आपसे अगर कोई पूछे कौन से भाषा में लिखा गया था तो एक याद रखने के लिए मैं आपको एक ट्रिक देता हूं अल इल उल। ध्यान से सुनिएगा अल इल उल कहीं पे भी लगा हो इट मींस की अरबी है किताबुल हिंद हिंद के बारे में शाह मतलब बादशाह किसके बारे में बादशाह के बारे में शाह नामा नामा वर्ड कहीं पे लगा हो पर्शियन जैसे आपसे पूछ लिया जाए कि बाबरनामा कौन से भाषा में तो बाबरनामा जो है वो पर्शियन में लेकिन बाबरनामा की ओरिजिनल टेक्स्ट कौन से लैंग्वेज में है तो दैट इज दी का अनुवाद आप सभी जानते हैं अब्दुल रहीम खान खाना ने उसके अनुवाद किया था पर्शियन लैंग्वेज में तो चीजें क्लियर करके चलो एक एक लाइन तो तहकीकात हिंद इतना बात तो आप जान गए कि सर ये तीन स्कॉलर ने तीन अलग अलग किताब लिखे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू नंबर थ्री नंबर एक पॉइंट और एड करते हैं ना आपके पेपर के लिए महत्वपूर्ण बनाते हैं नोट लिखते हैं नोट में कौन से पर्सनालिटी को बच्चे पर्सनालिटी दैट इज दी ध्यान से सुनिएगा किसके बारे में अलबरूनी अलबरूनी का मतलब क्या होता है पहली बात ध्यान दीजिएगा इसका मीनिंग होता है उस्ताद क्या होता है अलबरूनी मीनस उस्ताद मीन्स उस्ताद क्या होता है उस्ताद अल को पहला दिस इज कॉल्ड फादर ऑफ इंडोलॉजी भी कहा जाता है ये जो पॉइंट में बता रहा हूं शायद ही आपने कहीं पढ़ा होगा बच्चों मेरे प्यारे साथियों क्लास शेयर करते चलें, सभी बच्चे वेरी गुड लड्डू रिधि कसाना वेरी गुड फादर फादर ऑफ इंडोलॉजी इंडोलॉजी का मतलब है जिन्होंने भारत के बारे में लिखा बट मेगास्थनीज याद कीजिए आप सभी बच्चे मेगास्थनीज ये किसके समय में आया था मेगास्तनीज ये चंद्रगुप्त मौर्य के समय मेगास्तनीज ने एक बुक लिखा था इंडिका इंडिया के बारे में और पाटलिपुत्र का वर्णन किया था क्लास के बारे में कि पाटलिपुत्र में किस तरह से क्लासेस हैं वहां के कमेटी के बारे में भी लिखा था इंडिका में तो इंडिका के बारे में जानिए इसे इनिशिएटर कहते हैं क्या बोलते हैं इनिशिएटर ऑफ इंडोलॉजी कहा जाता है इंडोलॉजी जिन्होंने इंडिया के बारे में लिखा है सबसे पहले वो ये हैं कौन मेगास्थनिस लेकिन इन्हें फादर ऑफ इंडोलॉजी कहते हैं अलबरूनी को ये बात याद रखिएगा होमर ऑफ ईस्ट भी कहा गया इन्हें होमर ऑफ ईस्ट भी कहा गया होमर ऑफ ईस्ट का मतलब है कि ईस्ट के जो है ना सूरज हैं इतने नॉलेजेबल कहते हैं कि इन्होंने जब किताबुल हिंद लिखा जिन्होंने अलबरूनी ने इंडिया के बारे में बहुत सुंदर-सुंदर कहानियां लिखी और कहा कि इंडिया में जो चीज पाए जाते हैं दुनिया में कहीं नहीं पाया जाता ये इंडिया के बारे में यस वेरी गुड बेटा इन्होंने इंडिया के बारे में यह लिखा कि इंडिया में मोर पाए जाते हैं जो दुनिया में कहीं नहीं पाए जाते इन्होंने इंडिया के बारे में लिखा बाघ मिलते हैं शेर मिलते हैं जो दुनिया के कहीं नहीं मिलते अब जाके हमने हाइब्रिड कराया तो दूसरे दूसरे देश में पहुंचा ये इन्होंने वर्णन किया और इन्होंने इंडिया में जब आए तो किसके साथ आए कैम टू इंडिया विथ कैम टू इंडिया गजनवी किसके साथ आया ये गजनवी के साथ ये भी लाइन लिखते चलो आप लोग अच्छे से नोटबुक रखे हो ना पास में बना रहे हो नोट प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाना और बहुत अच्छे से एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चंस बनेंगे अलबरूनी के बारे में और चीजें जानो कहा जाता है कि ये इतने बड़े स्कॉलर हो गए इंडिया जब आए तो इनको जानने की पढ़ने की बड़ा शौक था इन्होंने संस्कृत भाषा को भी पढ़ा उस जमाने के जो अवधि लैंग्वेज थे उसको भी सीखने की कोशिश किया पाली पढ़ने की कोशिश किया बहुत सारे लैंग्वेज तो इन्हें एक टाइटल इंडियन लोगों ने दिया इंडियन पंडित ने इंडियन पंडित ने इन्हें एक टाइटल दिया टाइटल से नवाजा दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट विद्या सागर के नाम से किस नाम से विद्या सागर के नाम से तो ये अपने आप में अलबरूनी कितने महत्वपूर्ण हो जाते हैं आपके एग्जाम के लिए आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं है ना तो मेरे प्यारे साथियों क्लास कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट करके बताइए अभी तो तो मैंने चीज डिस्कस भी नहीं किए लेकिन आप अगर नोटिस करें तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपको जो है वालेकुम सलाम बेटा तो सारे के सारे क्वेश्चन अपने आप में जो है इंपॉर्टेंट बन जाते हैं है ना चीजें अगर देखा जाए तो सर सच में ये क्वेश्चन बनते हैं और बहुत सारे कम किताब में ये सब चीजें पाए भी जाते हैं तो आप इस पॉइंट्स को लिखिए और आगे अगर मैं बढ़ूं तो टाइम अभी उतना ज्यादा है नहीं फिर भी कोशिश करते हैं थोड़ा सा और आगे बढ़ने की सभी बच्चे अगर मन लग रहा है तो आगे बढ़ूं क्लास कैसा लग रहा है कमेंट करके बताएं सभी बच्चे चलिए आगे बढ़ते हैं आगे की कुछ बातों को देखते हैं जब ये इंडिया आने वाला है कौन महमूद ऑफ गजनवी कब एक हजार एक ईस्वी में तो किस तरफ से आएगा तो नॉर्थ से साउथ की तरफ बोले तो सिंध से ये इंटर किधर से कर रहा है देखो ध्यान से इंटर किधर से कर रहा है तो सर सिंध से पंजाब की तरफ किस तरफ बच्चे पंजाब की तरफ तो पंजाब में जो रूलर होगा वो इसको रोकने की कोशिश करेगा पहली सवाल तो ये है तो जब रोकने की कोशिश करेगा तो युद्ध भी होगा और इस बैटल को आप दैट इज कॉल्ड दहिंद की प्रथम युद्ध कहते हैं क्या बोलते हैं वहिंद की प्रथम युद्ध कहते हैं देखो ध्यान से फर्स्ट बैटल ऑफ वहिंद फर्स्ट बैटल ऑफ वहिंद वहिंद बोलते हैं आप पंजाब को बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है बच्चे आपके एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन बनेगा एक हजार एक ईस्वी में बिटवीन किसके किसके बीच में युद्ध होता है सवाल ये है वहिंद पंजाब में है एक हजार एक ईस्वी में पहला अटैक है किसका महमूद अफगजनबी का जयपाल यहां का राजा है जयपाल वर्सेस गजनवी। गजनवी। अब देखो ध्यान से तो गजनवी इस बैटल में जीत जाता है और जयपाल साहब हार जाते हैं जयपाल हारने के तद उपरांत आफ्टर सिक्स मंथ आफ्टर सिक्स मंथ सिक्स मंथ इन्होंने सुसाइड कर लिया था सुसाइड कर लिया इस वजह से क्योंकि इनको हार बर्दाश्त नहीं हुआ ये इनको ह्यूमलिएशन लगा कि मैं कैसे हार सकता हूं एक बाहरी अटैकर से हारने के बाद सुसाइड कर लिया इनका बेटा आनंद पाल कहता है कि उस समय हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा जगह है ध्यान से देखिएगा कांगड़ा कांगड़ा पे वो शासन करता था वो आया और इस गद्दी को संभाला और कहा जाता है कि बहुत अरसे तक जो है यहां पे महमूद गजनवी ने अटैक नहीं किया मतलब इंडिया के तरफ वजह ये था कि इंडिया बहुत मजबूत था जितने राजपूत थे इस क्षेत्र के बड़े स्ट्रांग थे अब जो नेक्स्ट अटैक होने वाला है दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट सेकेंड बैटल ऑफ वाहिंद ये सभी एक बार में क्वेश्चन पूछा जाता है आप उत्तर प्रदेश पीजीटी और एनवीएस का क्वेश्चन पेपर उठा के देखिए क्वेश्चन यहां से आए हैं या नहीं आए और ऐसे क्वेश्चन बनते हैं या नहीं बनते हैं सुफिया सीटेट में जो पेपर में आते हैं सीटेट के पेपर में भी जो आपके हिस्ट्री के पोर्शन वो आपके यहां पे कवर अप हो जाएंगे घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं हिस्ट्री का जितना भी पेपर क्वेश्चन आने वाले हैं आपके सीटेट में यहां से कवर हो जाएंगे सेकेंड बैटल ऑफ वहिंद, वहिंद युद्ध जो हो रहा है वो हो रहा है एक हजार आठ ईस्वी में एडी में बिटवीन आनंद पाल क्या नाम है बच्चे आनंद पाल वर्सेस गजनबी अब देखो ध्यान से और यहां पे भी जीतेगा गजनबी और आनंद पाल यहां पे हार जाएंगे हारने वाले के तरफ डाउन एरो और जीतने वाले की तरफ अप एरो का इस्तेमाल किया करें ताकि चीजें क्लियर होता चला जाए क्लियर तो दो बैटल तो आपने यहां पे देख लिया अब धीरे धीरे भारत में वो इंटर करना शुरू कर रहा है कई ऐसे क्षेत्र है जिसे इन्होंने लूटा भी ध्यान से देखेंगे सभी बच्चे ध्यान से बहुत आसानी से समझने की कोशिश करना आप ध्यान से अगर ये जगहों को देखो जैसे थानेश्वर कन्नौज उज्जैन मथुरा सोमनाथ तो आपको एक फील होगा कि सर ये वैसे जगह है जो रिलीजियस टेम्पल है कैसा धार्मिक स्थल है ये रिलीजियस टेम्पल्स या आप कह सकते रिलीजियस प्लेस है इन सब जगह पे अटैक किया क्योंकि यहीं पे खजाना मिलना था और इन खजानों को लेकर बहुत कहा जाता है कि ये खजाना लूट के जा रहा था इसके बारे में थोड़ा जानने से पहले एक चीज और जानेंगे ये पांच बार अनसक्सेसफुल माना जाता है कि अनसक्सेसफुल रहा देश में लूटने में कहा जाता है कि एक हजार पंद्रह ईस्वी के करीब में एडी में गजनबी वॉज डिफिटेड गजनबी डिफिटेड नियर कांगड़ा नियर कांगड़ा कांगड़ा में ये हारा था क्योंकि वो चढ़ाई है कांगड़ा और वो ठंड प्रदेश से ये गर्म वाले क्षेत्र से आया था तो हारा, और भी कई चीजें हैं जो मैं मिसलेनियस में कराऊंगा इसके पार्ट अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए 1025 में 1025 में इसने क्या किया अटैक ऑन सोमनाथ अटैक ऑन सोमनाथ सोमनाथ तो आप सभी जानते हैं शिव टेम्पल है कैसा मंदिर है भाई शिव मंदिर है ध्यान देते चलिएगा कैसा मंदिर है शिव मंदिर है कहां पे बेटा गुजरात के कथियावाड़ में कथिया सोमनाथ पे जब अटैक किया तो उस समय गुजरात का शासक ध्यान से सुनेंगे गुजरात के जो शासक है बेटा वो कौन थे तो भीमदेव फर्स्ट है क्या नाम है बच्चे भीमदेव प्रथम है और ये कौन से वंश से है सोलांकी डायनेस्टी से है सोलांकी डायनेस्टी है अब ध्यान से राजपूत डायनेस्टी थे भीमदेव फर्स्ट के समय पे इन्होंने शिव टेंपल को लूटने की कोशिश की बहुत अरसे के बाद जाकर ये लूटने में सक्षम हो, हो, पाया तो कहते हैं कि जब ये लूट पाया एक हजार पच्चीस छब्बीस में तो एक हजार छब्बीस में जाते जाते वन थाउजेंड ट्वेंटी सोमनाथ टेम्पल को ही तोड़ दिया क्योंकि वो ब्लॉक सिस्टम पे एक पिलर को झाड़ा जैसे सारे पिलर झड़ गए इतिहास गवाह है कि जब यहां से सोना लेके जा रहा था उस जमाने में भारत को सोना की चिड़िया कहा जाता था इतने सोने थे कि अंठान में सोने से लदे हुए थे और कहा जाता है कि ऊंट चल नहीं पा रही थी यह हालत था कहते हैं ना कि लुटेरियों के साथ उनका पचता नहीं है ऐसे दौलत इसको भी नहीं पचेगा कहा जाता है इसको पचा ही नहीं देखो किस तरह से नहीं पचा क्योंकि कहा जाता है कि जब ये सोना लूट के जा रहा था अगर मैं मैप थोड़ा सा अगर इस तरह से बना दूं गुजरात से के तरफ अगर जाता है फॉर एग्जाम्पल इस तरह से अगर मैप बनाता हूं तो गुजरात और राजस्थान वाले रीजन में तो यहां पे एक लुटेरा हुआ करता था कोखर, ध्यान से सुनेंगे लुटेरे कौन थे जो कि जाट बाद में जाट भी बने इन लुटेरों ने इनके माल को लूट लिया इनका काम था ऐसे ही व्यापारियों को लूट लेने का कहा जाता अंठानवे ऊंट में से अंठानवे ऊंट सोना में से छियानवे ऊंट सोना तो इन्होंने लूट लिया और दो ऊंट सोने छोड़ दिए बोले ले जा तू मौज करना अब खुद सोचिए कि क्या बीता होगा इसके ऊपर जी सरस्वती पाल बिल्कुल एनवीएस टीजीटी के लिए भी आप आराम से क्लास को कर सकते हैं बिल्कुल अच्छे तरीके से कोई इश्यू नहीं है टीजीटी पीजीटी के लिए एकदम आराम से तैयारी कीजिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है एक बार पढ़ के देखिए एक सप्ताह मेरे साथ ताल में ताल मिला के देखिए फिर आपको लगेगा कि इतिहास से प्यार हो गया आपको चलिए तो कोखरों ने लूट लिया तो कहा जाता है जब कोखरों ने इनको लूट लिया ये गुस्से में तिल मिलाए और एक हजार सताइस ईस्वी में ध्यान से देखेंगे एक हजार सताइस एडी में लास्ट अटैक ऑन गुजरात अंतिम अटैक गुजरात पे किया अगेंस्ट अगेंस्ट कोखर, कोखर या भील ट्राइब्स के खिलाफ अंतिम अटैक क्योंकि सोचा कि रिकवर कर सकूं मैं कुछ पैसे लेकिन नहीं हो पाया वो आभूषण नहीं हो पाया कहा जाता है एक हजार सत्तीस ईस्वी में डेड इन काबुल डाइड इन काबुल इन काबुल तो महमूद ऑफ गजनवी के बारे में कुछ पॉइंट्स तो आपने इतना लिख लिया कि सर इतने पॉइंट्स हैं जो मैंने हिट करा दिए ये क्वेश्चंस बनते हैं आपके पेपर में आपने कट लिए लेकिन सवाल यह उठता है कि सर इनसे रिलेटेड क्या क्या चीजें बन सकते हैं वो ध्यान से देखेंगे जब इसने सोमनाथ पे अटैक किया उस समय शासक कौन था ये क्वेश्चन बनेगा कितने बार अटैक किए सत्रह बार सबसे पहले किसको हराया इंडिया के क्षेत्र में तो जयपाल को तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके पेपर में डायरेक्ट फंसते हैं ठीक है इनके दरबारी स्कॉलर्स के नाम पूछेगा तो डायरेक्टली कह सकते हो सर फूफा फारूखी उद्बी फिरदौसी एन अलबरूनी और इन लोगों के लिखे गए किताबों का भी वर्णन मैंने कर दिया है ये क्लास वाकई में बहुत ही इंपॉर्टेंट बहुत शानदार था मेरे प्यारे साथियों इस क्लास का नेक्स्ट सेशन ज्वाइन करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा कल के क्लास ग्यारह बजे पी टीचर्स अड्डा पे बच्चों एक बार क्लास करके देखो मजा नहीं आया तो फिर कहना आप सभी और यूजीसी नेट पे सुबह दस बजे प्रैक्टिस सेट कराता हूं वहां पे जरूर आया करो घबराओ मत जो टीजीटी पीजीटी की तैयारी करते हैं यूजीसी अड्डा पे आप जाकर क्लास देखो क्वेश्चन की क्वेश्चंस के लेवल तो बढ़ेंगे ना आप जितना अपने आप को हाई रखेंगे उतनी सिलेक्शन में आपकी जगह बनेगा है ना तो कैसा क्लास लगता है आप लोग जरूर बताया करें तब तक के लिए आज की क्लास में यहीं पर स्थगित करता हूँ थैंक यू ऑल ऑफ यू थैंक यू सो मच जय हिंद जय भारत ध्यान रखें मुस्कुराते रखें रहें और क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहें ठीक है बाय बाय एवरीवन टेक केयर सी यू टुमारो